हम में से कितने सारे लोग हैं जो अक्सर यहीं मिलते हैं सनी सुपर साउंड में? जी जी बिल्कुल, वही मैंने बोला ना, सारे सारे अपने, देखिए सारे अपने चेहरे पे जाने पहचाने चेहरे। ओके इधर सबसे पहले तो आज इसके बारे में बताइए, जो क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आई थिंक पीपल विल लव दिस बिकॉज़ बात ये है कि एक होता ना बिंज वॉचिंग, सो ये उसका फॉर्मेट है, शॉर्ट फॉर्मेट है, फटाफट एक थ्रिल 9 मिनट 10 मिनट में आप कैसे एक बता सकते हो एक एक एपिसोड में। सो इट्स ब्रिलियंटली डन एंड इट्स डन बाय नितेश। सो एंड हम सब हैं यहाँ पे आपके सामने, प्रकाश है और अपनी तुषार। हाँ तो एक अच्छे कुछ करने की कोशिश की ऐसे कि यू नो वी आर कॉप्स और कॉप्स की लाइफ एक्चुअली उनकी साइकी क्या होती है बेसिकली, गुड भी है बैड भी है, तो कोई अच्छा है कोई बुरा है और एक ही इंसान में अच्छा भी और बुरा भी, तो आई एम श्योर पीपल लव दिस। देखिए क्या है, सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि वेब में भी आजकल ऐसा हो गया है ना कि वी शूट लाइक फिल्म्स, तो मोर और लेस तो यू नो इट्स द सेम, बट हाँ एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसमें रियल लोकेशन में शूट करने का मौका मिलता है और कैरेक्टर पर और काम करने का मौका मिलता है, तो यस इट्स अ लवली एक्सपीरियंस। देखिए क्या है कि सच्ची बोलूँगा मैं कोई जेल वेल में नहीं गया, मैंने किसी मतलब मैं जितने लोगों को जानता था उनके थोड़े मैनरिज्म्स निकाले, मैंने बहुत सारे इंस्पेक्टर दोस्त हैं उनके मैनरिज्म्स निकाले और कुछ कुछ इंटरव्यूज देखे ऑनलाइन जिसकी वजह से थोड़ा बॉडी लैंग्वेज का पता चला, कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं और ऐसे जगह पे पॉजेस लेते हैं ना कि हमें ऐसा लगेगा कि अभी पता नहीं क्या बोल देगा ये आदमी, बट वो नहीं बोलते यू नो, वो सामने वाले की जो रिएक्शन है वो गेज करते हैं और उस हिसाब से बात करते हैं, तो दिस इज़ ऑल लिटिल थोड़े बहुत न्यूएंसेस हैं हमने काम किया उसके ऊपर, तो ये आपको देखने मिलेगा। अब आप देखेंगे तो आई एम श्योर यू गाइस विल लव इट एंड यू विल गाइस विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन तो मैं जरूर करूंगा भैया एक दिन, तुम हो क्या चीज। एनीवे इन्वेस्टिगेशन है ये एक, देखिए क्या होता है बहुत सारे केसेस होते हैं यू नो कॉप की लाइफ में केसेस होते हैं कोई उनके लिए नॉर्मल बात है, एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट केस, बट एक ऐसा केस जिसमें खुद उलझ जाते हैं जिसकी वजह से यू नो उनकी लाइफ पूरी उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो उसमें कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं और क्या करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं नहीं सॉल्व करते या यू नो क्या करते हैं, इट इज़ ऑल अबाउट दैट, दैट्स द मिस्ट्री दैट्स द थ्रिल जो आपको देखने मिलेगा एरोस नाउ पे। कॉन्ग्रेचुलेशन दीपिका, इन्वेस्टिगेशन देखने आओ। यार कमाल करता है इन्वेस्टिगेशन में आता है, दीपिका को मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया। Yes, that is why I said congratulations, Deepika. ये जो जीता है ना बहुत मुश्किल से जीता है और बहुत मुश्किल होता है ये। आप जीत गई, मुझे ऐसा लगा मैं जीत गया। Very good, all the best, congratulations and please come. Or you can't come, I'm sure, but please watch investigation. क्योंकि ये देख के आपको जरूर मजा आएगा। Okay, हितेन आपसे जानना चाहेंगे, वेब सीरीज है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो कैसे देखते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म को? Because टीवी एक अलग प्लेटफॉर्म है और डिजिटल एक अलग प्लेटफॉर्म है। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि टीवी पे जो कुछ नहीं हो सकता there are a lot of restrictions there, वो वेब सीरीज पे होता है, और जैसे मैंने कहा कि इट इज़ ईजियर टू शूट प्लान शूट एट रियल लोकेशंस एंड यू नो कैरेक्टर पे काम करने का मौका, बिकॉज यू नो यू हैव एवरीथिंग वेल इन एडवांस, जैसे फिल्मों में स्क्रिप्ट आपके पास एडवांस में होती है तो आप काम कर सकते हो, जैसे हम लोग जाते हैं अभी मैं एक शो कर रहा हूँ तो जाते हैं तो मुझे पता ही नहीं होता मैं आज क्या शूट करने वाला हूँ। हाँ प्रकाश से भी पूछो यार, एक मिनट में इसकी बात सुन रहा था, आप बताइए। किरदार ये है कि वी बोथ प्ले कॉप्स, ही प्लेज क्राइम ब्रांच कॉप एंड आई प्ले रेगुलर सिटी पुलिस कॉप, एंड कितने शेड्स हैं क्या है और दोनों की इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या हो जाती है एक केस के लिए, दैट इज व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। पहले हमने ये की फिर सिम्बा सिम्बा ये किया, तो इसमें कुछ छाप ऐसे ऐसा नहीं है कि हमने कॉपी किया या ऐसा कुछ नहीं है, छाप छोड़ेंगे जरूर, सिम्बा ने बहुत अच्छी छाप छोड़ी है, साफ नहीं छोड़ा छाप छोड़ी है छाप छोड़ी है छाप छोड़ी सॉरी हाँ।
हम भी छोड़ेंगे। फर्क यह है कि रणवीर की अपना रणवीर की शादी अभी हमारी 10-10 साल पहले हो चुकी है, तो ये फर्क है, मेरी ज्यादा हो गई। हिटन बिग बॉस को आते हैं, अर्शी खान ने रिसेंटली इंटरव्यू में कहा था कि बिग बॉस फिक्स होता है, विनर्स ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड होते हैं, आप भी बिग बॉस के पार्ट रह चुके हैं, इस पर आपके क्या कहने हैं? आप मुझे एक बात बताओ, अगर बिग बॉस फिक्स होता तो क्या मैं नहीं जीतता? नहीं, बिकॉज ऑफ कलर्स का फेस दीपिका, और काफी लोगों ने ये ब्लेम भी किया जीतने के बाद भी श्रीशांत की वाइफ ने श्रीशांत को ले लिया जाए। देखिए ऐसा है ना, टू ईच इट्स ओन, अभी उन्हें क्या पता है, उन्होंने क्या सोचा है, आई एम श्योर वो जानते, बट मुझे इतना पता है कि मेरे टाइम पे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई मुझे कुछ ऐसा बोला गया या स्क्रिप्ट थी या क्या था, मुझे ऐसा लगा कि मैं कर रहा था अंदर, गेम हो गई, तो मेरे साथ क्या गेम हुई वो सबके सामने हुई, ऐसा नहीं हुआ कि पीछे से बोला कि चलो अभी आउट वो आउट या आउट, मेरे सामने तो गेम हुई, तो पीपल सॉ क्या हो रहा है, तो आई हैव नथिंग टू से, मेरे हिसाब से तो सब ओके। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू फॉरवर्ड। हेलो, हाउ मच यू एक्साइटेड? हाँ, ये मेरे को लगता है वो लोगों को दिखेगा नहीं। हेलो हेलो, चेक चेक, ये दिसतो का तुम्हाला? तो वो कसा झोन पर तो द इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड, तो बहुत सारी एक्साइटमेंट है क्योंकि आई थिंक पहला शो है वेब पे जो रिलीज हो रहा है, आई थिंक पहले किया है और अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो ये पहले किया था और पहले रिलीज हो रहा है, तो वेरी एक्साइटेड, बोथ ऑफ अस वेरी एक्साइटेड। यस दीपिका जी, बिग बॉस जीत गई, आपकी भी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, तो आपका कुछ रिएक्शन उसके ऊपर देना चाहिए? उन्होंने दे दिया रिएक्शन, देखा नहीं। इस वक्त बॉलीवुड नहीं, टीवी के साथ साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी, मतलब स्टार्स जो है वेब सीरीज में ज़्यादा इस फिल्म में जा रहे हैं, क्या कारण, क्या रीज़न है जो वेब सीरीज ज़्यादा बन रही है? देखिए क्या है कि एक रीज़न ये है कि बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो प्रॉबेबली हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए है खास, मतलब पीपल विल वॉच इट, जो ऑन द गो वॉच कर सकते हैं। डिजिटल मतलब क्या है, आप गाड़ी में बैठे आपने फ़ोन पे स्टार्ट कर दिया, हेडफोन लगाए, या ट्रेन में पता है सफ़र करते हैं, दोनों टाइप का सफ़र, तो ये लगाएंगे तो वो सफ़र थोड़ा कम होता है। साल 2018 की जितनी वेब सीरीज वाली फिल्में थी या कम बजट वाली फिल्में काफ़ी हिट, वहीं अगर हाई बजट वाली फिल्में नहीं हिट हो पाई, क्या कुछ कारण से बताया? या लोगों को जो पसंद आता है दैट इज़ कमिंग नाउ, कमिंग फोर्थ, मतलब सामने आ रहा है कि दे लाइक सर्टन थिंग्स, वेदर द फिल्म इज बिग छोटी बड़ी क्या है नहीं, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और परफॉर्मेंस, इट इज बेसिकली कंटेंट ड्रिवन, जिसमें कंटेंट अच्छा है चाहे वो फिल्म हो या सीरीज हो या टीवी शो हो, तो लोग वो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। पसंद कर दो फिल्में रिलीज़ हो रही है, दोनों को ऑल द बेस्ट, और दोनों हम देखेंगे। अगर बात करिए अगर इंडिया में तो एक्टिंग सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, आपको नहीं लगता प्रोडक्शन सिखाने के लिए भी ऐसे इंस्टीट्यूट होना चाहिए? आई थिंक एक ऐसी इंस्टीट्यूट होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है आई थिंक अब्रॉड होती हैं, यहाँ पे भी होंगी, जिसमें पूरा सिखाते हैं, मतलब नॉट ओनली प्रोडक्शन बट यू नो ओवरऑल एवरीथिंग, इफ़ यू कॉल इट एन एक्टिंग, इट शुड नॉट बी ओनली एक्टिंग इंस्टीट्यूट, इट शुड बी एन ओवरऑल ग्रूमिंग, और ओवरऑल जिसमें सब कुछ है, प्रोडक्शन डायरेक्शन सब कुछ, मतलब बताएं जैसे आपने कहा, तो वो भी कवर करना चाहिए, इट्स अ गुड पॉइंट। नहीं लाइक जैसे स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि जो मतलब मिडिल क्लास जो बच्चे हैं वो नहीं सीख पाते हैं, तो उस पर आपका क्या रिएक्शन है? मेरा ख्याल है इसमें आई थिंक गवर्नमेंट शुड ऑल्सो स्टेप इन एंड दे शुड यू नो गिव सम इंसेंटिव्स और समथिंग दे शुड डू, के ऐसा हो कि जो मीडियम मिडिल क्लास के हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी कर पाएँ, यू नो स्कॉलरशिप्स और समथिंग लाइक दैट फॉर देम, so that it is easier for everybody if they are really keen. Gauri, आपके कहने चाहिए? हाँ, मैं हितेन जो कह रहा है उनसे सहमत हूँ कि ऐसा एक तो स्कूल या इंस्टीट्यूट या कुछ चाहिए जो हर कोई इंसान जिसको अगर इसमें इंटरेस्ट है वो अफोर्ड कर पाए, ऐसा एक तो कुछ चाहिए। आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई। हैप्पी रिपब्लिक डे। Thank you.
कैमरा चलो लगा बम लगा।